हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास ट्वेल्थ। आज हम क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सिक्स्थ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 5.6, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो एक्स और वाई के जब दो फंक्शंस किसी एक तीसरे वेरिएबल की हेल्प से आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन से फंक्शंस होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस? वो फंक्शंस जो एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं और किसी तीसरे वेरिएबल की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, उन फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। और उनके डेरिवेटिव्स यानी डीवाई बाई डीएक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर ले लिया है मैंने और वाई इज इक्वल टू 2at को, ये जनरल एग्जाम्पल लिख लिया है। यहां पर जो फंक्शन एक्स है वो वेरिएबल टी के साथ कनेक्टेड, देखिए, और जो वेरिएबल वाई है वो भी फंक्शन वाई वो वेरिएबल टी के साथ, ये भी वेरिएबल टी के साथ कनेक्टेड है। यानी एक्स और वाई दोनों ही फंक्शन में कॉमन वेरिएबल टी है और वेरिएबल टी के साथ ये दोनों कनेक्टेड है। हम यहां पर dy by dx निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड dy by dx आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए dy by dx जब भी आपको इस तरह से कैलकुलेट करना होता है तो हम सबसे पहले dy by dt यानी जिस फंक्शन से वेरिएबल से कनेक्ट है और डिवाइड बाय dx by dt सॉल्व करते हैं। तो देखिए x हमारे पास है ए टी स्क्वायर, हम सबसे पहले इसका dx by dt निकाल लेंगे यानी ए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा और a पहले से लिखा है, तो dx by dt का डेरिवेटिव हो जाएगा 2at और y इज इक्वल टू था हमारे पास 2at, तो dy by dt निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे तो 2a आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है। अब हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं dy by dx, तो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है dy by dt डिवाइड बाय dx by dt। dy by dt की वैल्यू ये है 2a, डिवाइड बाय dx by dt की वैल्यू ये है 2at, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और dy by dx आ जाएगा वेरिएबल t की फॉर्म में ही 1/t। तो इस तरह से जब आप फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.6। देखिए एक्सरसाइज 5.6 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक्स और वाई के दो फंक्शंस हैं, वेरिएबल थीटा की हेल्प से कनेक्टेड है और हम dy by dx निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू a cos थीटा लेके चलेंगे और y इज इक्वल टू b cos थीटा जो हमें गिवन है, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा जिस वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है और y का भी डेरिवेटिव सेम रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना है आपने। तो देखिए dx by d थीटा निकलेगा यहां से, a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन थीटा होता है। सिमिलरली dy by d थीटा जो है b कांस्टेंट है यहां पर सेम रहेगा और साइन cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए dx by d थीटा जो आ गया आपके पास वो आ गया माइनस a साइन थीटा और dy by d थीटा आ गया हमारे पास माइनस b साइन थीटा। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं dy by dx, तो dy by dx देखिए पता आपको पहले बताया हमने, न्यूमरेटर में लिखेंगे dy by d थीटा और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में लिखेंगे dx by d थीटा। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे यहां पर, माइनस b साइन थीटा और डिवाइड बाय माइनस ए साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है और नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन, तो डीवाई बाई डीएक्स बच जाएगा सिर्फ बी अपॉन ए। एग्जैक्टली सेम लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपके लिए छोड़ दिया है एज ए होमवर्क, आपने उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है। हम फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स फंक्शन वेरिएबल टी की फॉर्म में गिवन है और वाई फंक्शन भी वेरिएबल टी की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, जो वेरिएबल हमें टी की फॉर्म में गिवन है दोनों को ही आपने dx by dt और dy by dt कैलकुलेट करना है। तो देखिए dx by dt क्या आएगा, 4t का डेरिवेटिव सिर्फ 4 और dy by dt का डेरिवेटिव आएगा माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि जो डेरिवेटिव होता है ऑफ द फंक्शन 1/x इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर होता है। और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं आप dy by dx,
तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, डी वाई बाई डी टी आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डी एक्स बाई डी टी डिनोमिनेटर में, तो याद आएगा माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, माइनस फोर अपॉन फोर टी स्क्वायर लिख सकते हैं, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 का, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा की फॉर्म में फंक्शन गिवन है और y इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में गिवन है, यानी फंक्शन x और y जो है थीटा की फॉर्म में कनेक्टेड है आपस में। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आएगा देखिए, डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, a इंटू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। सिमिलरली देखिए यहां पर करेंगे हम, आई एम यूजिंग द वर्ड सिमिलरली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या आएंगे, डीवाई बाई डी थीटा आएगा, ए एज इट इज, वन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव जीरो और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, राइट। तो यहां पर हमें डीवाई बाई डी थीटा की वैल्यू मिल जाती है माइनस ए साइन थीटा। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, आप देखिए डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स हमने आपको बताया था डीवाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा की हेल्प से सॉल्व होता है। डीवाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है माइनस ए साइन थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस कॉस थीटा। यहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करने जो हमने क्लास इलेवंथ में पढ़े हुए हैं, देखिए मैं मेंशन कर देता हूं जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला, एक तो हम यूज करेंगे साइन टू ए का, क्या होता है टू साइन ए कॉस ए, और अगर इसको एंगल हाफ कर दें ए की फॉर्म में लिखे तो आएगा टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू, और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे वन माइनस कॉस टू ए का, वन माइनस कॉस टू ए होता है टू साइन स्क्वेयर ए, यानी ये जो 2a है इधर एंगल हाफ हो जाता है, अगर यहां पर एंगल हाफ कर दे पहले से ही तो और ज्यादा हाफ हो जाएगा, a का हाफ a अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए माइनस यहां साइन थीटा के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी जो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा था इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर न्यूमिनेटर में एक साइन थीटा है डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है यानी 2 है, तो एक साइन थीटा इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर ये माइनस साइन है ये लिखेंगे यहां पर माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में बचा है सिर्फ कॉस थीटा अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में बचा है स्क्वायर कैंसिल हो गया था तो सिर्फ साइन थीटा बाय 2 और एंगल सेम है थीटा अपॉन 2 तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट विद नेगेटिव साइन यानी माइनस कॉट थीटा बाय 2, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस। देखिए एट्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 का, वी आर गिवन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय 2, ये फंक्शन हमें एक्स है वेरिएबल टी की फॉर्म में इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी ताकि हमारे पास डी एक्स बाय डी टी आ जाए, तो मैं लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाय डी टी आएगा देखिए ए इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा और लॉग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन फंक्शन यानी वन अपॉन टेन टी अपॉन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव लिखेंगे टेन टी बाय 2 क्योंकि ये चेन रूल होता है हमें पता है। उसके बाद डी एक्स बाय डी टी फिर से इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस जो वन अपॉन टेन टी बाय 2 है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन साइन टी बाय 2 डिवाइड बाय कॉस टी बाय 2 क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या होगा सीकेंट स्क्वायर एंगल रिमेन सेम टी बाय 2 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल तो डी बाय डी टी ऑफ टी बाय 2 भी मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में आएगा ए इंटू माइनस साइन टी प्लस ये जो वन अपॉन साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2 लिखा था ये वन अपॉन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कॉस टी बाय 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा
और साइन टी बाय टू डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। इंटू में सीकेंट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन टू और इंटू टी बाय टू का डेरिवेटिव वन अपॉन टू, यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो देखिए यहां कॉस टी बाय टू है, यहां कॉस स्क्वायर टी बाय टू है, तो मतलब यहां से एक कॉस से एक पावर कैंसिल हो सकती है, तो ये कॉस टी बाय टू इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए इंटू माइनस साइन टी प्लस, न्यूमरेटर में है देखिए वन अपॉन, ये टू पहले लिख लेते हैं साइन टी बाय टू, और इंटू में यहां से एक कॉस टी बाय टू बचा हुआ है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास इलेवेंथ में, पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी, साइन टू ए की दैट इज इक्वल्स टू टू साइन ए कॉस ए, यानी एंगल डबल हो जाता है, तो ये यहां पर यूज करेंगे ए इंटू माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू साइन टी बन जाएगा, यहां इसके अपॉन में वन लगा के एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा देखिए ए इंटू साइन टी एलसीएम माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, विच कैन बी रिटन एज ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, यानी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाय डी टी, जो हमने फंक्शन एक्स दिया था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किया और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी एक्स बाय डी टी की, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब हम देखते हैं वाई क्या दिया हुआ है, वाई हमें दिया हुआ है ए साइन टी, तो डी वाई बाय डी टी इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर लेते हैं, ये आ जाएगा सिंपल ए कॉस टी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है सेम रहेगा, और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। हम निकालना चाहते थे डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, डी वाई बाय डी टी न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी डिनोमिनेटर में, तो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू ए कॉस टी और डिनोमिनेटर में डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा ए कॉस टी अपॉन वन इंटू में साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया और एक कॉस से एक कॉस, तो हमारे पास बच गया साइन टी अपॉन कॉस टी विच इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट टी, एंड दिस टेन टी इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड डी वाई बाय डी एक्स। देखिए एट क्वेश्चन के बाद हम टेंथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन हमने आपके लिए छोड़ दिया है प्रैक्टिस के लिए, एज ए होमवर्क रहेगा, तो हम टेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, फंक्शन x थीटा वेरिएबल की फॉर्म में है और यहां देखेंगे अगर आप फंक्शन y वो भी थीटा वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हमने इन दोनों ही फंक्शन x और y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो मैं कॉमनली लिख लेता हूं बीच में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले डी एक्स बाय डी थीटा सॉल्व कर रहे हैं, क्या आएगा a इंटू कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, cos थीटा लिखा है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, यहां पर थीटा और साइन थीटा दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ले लेंगे और यहां पर हम प्रोडक्ट रूल भी यूज करेंगे, मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट रूल की हेल्प से किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन सेम साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी थीटा का डेरिवेटिव वन, तो ये आ गया ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई वन साइन थीटा रह जाएगा, तो ये देखिए ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गए, क्या बचेगा सिर्फ ए थीटा कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा, ये हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि फंक्शन वाई हमारे पास क्या गिवन था, मैं यहीं पर लिख लेता हूं इसी के नीचे, फंक्शन वाई देखिए हमें गिवन था ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देखिए फंक्शन वाई है डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी थीटा रहेगा, ए कांस्टेंट है बाहरी रहेगा ब्रैकेट के, यहां पर लगा देते हैं हम साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना है, कॉस थीटा रहेगा माइनस साइन एज इट इज, ये दो फंक्शन थीटा और कॉस थीटा ये भी प्रोडक्ट में है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, पहले देखिए फर्स्ट फंक्शन थीटा सेम एज इट इज,
सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा का डेरिवेटिव लिखना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी थीटा का डेरिवेटिव वन, यहां ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज ए इंटू कॉस थीटा माइनस, ये थीटा और माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होके माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा, और ये प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बना एज इट इज कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है हमने, जो बाहर माइनस साइन है ये क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, यानी ये वाला जो माइनस है तो प्लस का बन जाएगा और ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ये साइन चेंज होगा पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, तो जो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू आएगी उसमें ये कॉस थीटा प्लस का और ये कॉस थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और ये ए थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ए थीटा साइन थीटा की फॉर्म में डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स की, डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो डी वाई बाय डी एक्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा की फॉर्म में लिखते हैं हम। डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, देखिए वो थी ए थीटा साइन थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी यानी ए थीटा कॉस थीटा। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा टेन थीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डी वाई बाय डी एक्स। देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 का, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी, तब हमें कहा गया है शो दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमें शो करके दिखाना है। तो इसको हम दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम दोनों केसेस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि हम मेथड वन से सॉल्व कर रहे हैं इसको, वो जो मेथड वन रहेगा वो रहेगा पैरामीट्रिक फंक्शंस में, जो हमारी एक्सरसाइज है हाउ टू सॉल्व दिस फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये हमारा फंक्शन है, वेरिएबल t की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा dx by dt आएगा लेफ्ट साइड में, जो सबसे पहला डेरिवेटिव होगा स्क्वेयर रूट फंक्शन का होगा। देखिए वो स्क्वेयर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट, फंक्शन सेम और फंक्शन रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वही होता है, यानी ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये हम चेन रूल यूज करेंगे यहां पर। फर्दर देखिए डीएक्स बाय डीटी की वैल्यू क्या आएगी, अब वन अपॉन टू रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होगा ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी सेम इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी। आप यहां पर ये मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला यूज किया है डेरिवेटिव का ए रेज टू द पावर एक्स का वो क्या होता है ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये हमने यूज किया तो मेंशन भी कर दिया यहां पर। अब थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा, देखिए वन अपॉन टू ये जो फंक्शन लिखा है रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू एक्स की है, तो यहां पर आप एक्स लिख सकते हैं इंटू ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, इसमें स्क्वेयर रूट नहीं है मतलब ये एक्स का स्क्वेयर बन सकता है, इंटू लॉग ए एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी लिखना है तो वो क्या होगा वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वेयर, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि इनवर्स फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये देखिए अब यहां पर एक्स है यहां एक्स स्क्वेयर है तो एक पावर कैंसिल हो सकती है, क्या बचेगा एक्स अपॉन टू लॉग ए इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाय डी टी व्हेन वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी, फंक्शन एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब हम बात करेंगे वाई की,
एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर वाई के लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि वाई जो दिया हुआ है वह स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन टू रूट ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी सेम, और डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी, चेन रूल लगाया हमने यहां पर। अब देखिए फिर से भाई ये सेम वन अपॉन टू रूट ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी सेम इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स टी, राइट। अब हमने बताया था आपको कि वन अपॉन टू ये जो रूट लिखा है ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ये वाई की वैल्यू है, तो यहां वाई आ जाएगा, और क्योंकि यहां पर अब स्क्वायर रूट हटा दिया है तो मतलब वाई का स्क्वायर कर दिया इंटू लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी का हम डेरिवेटिव लिख देंगे माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव सेम होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होता है, तो वो नेगेटिव साइन यहां पर आ गया है। तो ये जो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई हमारे पास, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा वाई अपॉन टू इंटू लॉग ए इंटू माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, इसको हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू से। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था शो दैट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करनी थी, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का हमने फॉर्मूला आपको बताया है, डी वाई बाई डी टी न्यूमिनेटर में लिखते हैं और डी एक्स बाई डी टी डिनोमिनेटर में। तो डी वाई बाई डी टी की ये वैल्यू आएगी, देखिए वाई अपॉन टू, माइनस साइन भी है आगे लगा देते हैं, इंटू लॉग ए इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू एक्स अपॉन टू इंटू लॉग ए इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा नोट करने के लिए है, देखिए लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो रहा है, ये टर्म वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाई अपॉन टू है, ये एक्स अपॉन टू है, तो जो डिनोमिनेटर वाला टू है वो टू से टू भी कैंसिल हो रहा है, और सिर्फ क्या बच रहा है माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यही हमें शो करने के लिए कहा गया था कि शो दैट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड कि हमने इस फंक्शन को प्रूव करा, वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाई माइनस वाई अपॉन एक्स कैसे आएगी। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म हमें नहीं दिया होता, स्टेटमेंट में सिर्फ यही मेंशन है इफ एक्स इज इक्वल टू रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू रूट ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हमारे ध्यान में नहीं आता कि हमने इसको पैरामेट्रिक की हेल्प से सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो आप इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो ये एक्स की और ये जो वाई की वैल्यूज गिवन है हमें, हम इनकी हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे इन दोनों वैल्यूज को, एक्स और वाई की जो वैल्यूज गिवन है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, और लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो x इंटू वाई आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो x को y से मल्टीप्लाई एक्स वाई, और राइट साइड में आएगा रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अभी देखिए हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स वाई आ गए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये दोनों रूट के फंक्शन आ गए। अब रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, आपको बताया कि अगर रूट एक्स इंटू रूट वाई लिखा है तो आप उसको एक कंबाइंड रूट के अंदर एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही यहां पर भी यूज करेंगे हम, लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, राइट साइड में हम यूज करेंगे, ये दोनों रूट कंबाइन हो जाएंगे और ये जो फंक्शन हमने मल्टीप्लाई में लिखे हैं ये एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, यानी ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई में ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब यहां पर नोट करना आपने, देखिए स्क्वेयर रूट के अंदर तो आगे दोनों, इन दोनों का बेस सेम है ए, और लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आपने पढ़ा हुआ है, एक्स रेस टू पावर एन इंटू एक्स रेस टू पावर एम अगर है तो एक्स रेस टू द पावर एन प्लस एम हो जाता है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई किया हो बीच में तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है।
तो देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, ये बेस सेम है, ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, दोनों ऐड हो गए। अब ये जब ऐड हो गए दोनों, तो यहां पर आपने हिंट देखना है, जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी यूज की थी हमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाय टू था। ये प्रॉपर्टी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी हुई है कि जब भी इनवर्स फंक्शंस हैं दो ऐड होते हैं, एंगल सेम होता है, तो रिजल्ट है जो दैट इज इक्वल टू पाई बाय टू, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करने वाले हैं। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर, ये जो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी लिखा है, यहां पर टी टी एंगल सेम है, तो मैं इसकी जगह अब ए रेज टू द पावर यहां पर पाई बाय टू लिख दूंगा। नाउ दिस इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, अभी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया राइट साइड पे, स्क्वेयर रूट के अंदर देखिए ए भी कॉन्स्टेंट है और रेज टू द पावर पाई बाय टू भी कॉन्स्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो राइट साइड में हम यही करने वाले हैं, तो मैं लिख दूंगा यहां पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं आप डायरेक्टली, लेफ्ट साइड में एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टू लग सकता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, वाई और एक्स का डेरिवेटिव वन इज इक्वल टू, ये जो टर्म है राइट साइड में पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, तो हमने यहां जीरो लगा दिया। तो देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो प्लस वाई है वाई मल्टीप्लाई वन वाई हो गया, और प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई बन गया, तो यहां पर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस वाई ये जो एक्स लिखा है ये अपॉन में आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, और फिर से वही क्वेश्चन प्रूव कर दिया देखिए हमने कि जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो माइनस वाई अपॉन एक्स आ गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, जो हमने मेथड वन यूज किया था वो था बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फॉर्म, और जो दूसरा मेथड हमने यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए वो था हमने प्रॉपर्टी यूज की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो मैं यहां लिख देता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉपर्टी, तो इसकी हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है वो कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखा बच्चों आपने, ये थी आज एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमने डिस्कस किए डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 था, वो आपने दोनों मेथड से सीखना है, और जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आज बाकी रह गए हैं वो आपने एज ए होमवर्क है आपके लिए, आपने उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑर्डर 2, यानी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो कि जो आपका हरियाणा बोर्ड है भिवानी बोर्ड से उन्होंने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब सिलेबस करवाया जाएगा। अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।